फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपका अकाउंट अगर बैंक ऑफ इंडिया में है तो बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में बेनिफिशियरी को कैसे मैनेज किया जाता है, बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में बेनिफिशियरी कैसे ऐड किया जाता है, बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में बेनिफिशियरी को कैसे डिलीट किया जाता है। अगर आप बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को बेनिफिशियरी ऐड करना आना चाहिए। सो इस वीडियो में हम यही दिखाने वाले हैं कि बैंक ऑफ इंडिया में बेनिफिशियरी कैसे डिलीट किया जाता है, ऐड कैसे किया जाता है बेनिफिशियरी को। मैं हूं विशाल कुमार, आप देख रहे हैं बारमा टच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में बेनिफिशियरी को ऐड करने के लिए सबसे पहले आप लोग जो बैंक ऑफ इंडिया का इंटरनेट बैंकिंग का पेज है ओपन कर लीजिएगा। हम बैंक ऑफ इंडिया का इंटरनेट बैंकिंग का पेज ओपन कर लिए हैं। ओपन करने के बाद लेन देन ट्रांसफ़र वाले आइकन पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन आ चुका है तो हमें बेनिफिशियरी को ऐड करना है। अगर आप IMPS बेनिफिशियरी ऐड करेंगे या RTGS बेनिफिशियरी ऐड करेंगे या नेफ्ट बेनिफिशियरी ऐड करेंगे सब एक ही होगा। जो जिस बैंक आप IFSC कोड इंटर करेंगे वह बैंक अगर IFSC कोड सपोर्ट करता है नेफ्ट RTGS तो ऑटोमेटिक आपका बेनिफिशियरी IMPS में ऐड करेंगे तो नेफ्ट या RTGS में चला जाएगा। चलिए हम IMPS में ऐड करके बताते हैं जो 24x7 मन एनी टाइम इसमें आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हमें इसमें IMPS वाले पर क्लिक करना है। इसके बाद हमें ऐड बेनिफिशियरी पर क्लिक करना है। अगर आप पहले से बेनिफिशियरी बनाए हुए हैं तो अगर डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं या बेनिफिशियरी का आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं पेमेंट पेड किए होंगे। तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि अगर आप नॉन स्टार टोकन यूजर हैं तो आपको 24 घंटे बाद बेनिफिशियरी ऐड किया जाएगा। एक दिन में आप 3 बेनिफिशियरी आसानी से ऐड कर सकते हैं जिसमें आपको नेफ्ट RTGS अवेलेबल है। यहाँ पर जैसा कि बताया जा रहा है अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बोला जा रहा है कि आप पैसा तभी ट्रांसफ़र कर पाइएगा जब आप बेनिफिशियरी ऐड कीजिएगा तभी। चलिए बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए ऐड बेनिफिशियरी पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले बेनिफिशियरी का हम निक नेम यहाँ पर इंटर कर देंगे। इसके बाद बेनिफिशियरी का जो उनके अकाउंट में नेम दिया हुआ है वही नेम हम यहाँ पर इंटर करेंगे। चलिए बेनिफिशियरी का जो एड्रेस है हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। इसके बाद पिन कोड इंटर कर देंगे। फ़ोन नंबर ऑफिशनल है, यहाँ पर IFSC कोड इंटर करना होगा आप लोगों को। IFSC कोड इंटर करने के बाद बेनिफिशियरी अकाउंट है। बेनिफिशियरी के अकाउंट अगर करेंट है, सेविंग है या ओवरड्राफ्ट है, अधिकांश लोगों का सेविंग ही होता है तो आप लोग सेविंग यहां पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और जो भी अकाउंट टाइप होगा यहां पर बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर इंटर करना है आप लोगों को। इसके बाद ऐड बेनिफिशियरी पर आप लोगों को क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद बैंक की तरफ से OTP सेंड किया गया है जो बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल नंबर में आप दिए गए हैं फोन, तो इसके बाद उस OTP को आप लोग इंटर कीजिएगा। OTP इंटर करने के बाद आप लोगों से बोला जा रहा है कि यहाँ पर आप जानकारी जो अकाउंट नंबर इंटर किए हैं अकाउंट नंबर अच्छे तरीके से मिला लीजिएगा IFSC कोड। और मिलाने के बाद आप लोग इसके बाद आप क्या करना है, जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड है उस ट्रांजैक्शन पासवर्ड को आप लोग यहाँ पर इंटर कीजिएगा। अगर आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड भूल गए हैं या बनाने नहीं आ रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका एक लिंक मिल जाएगा। वीडियो पूरा देखने के बाद आप आसानी से ट्रांजैक्शन पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। हमें कन्फर्म पर क्लिक करना है। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ सक्सेस का इन्फॉर्मेशन आएगा। चलिए हम वेट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि बेनिफिशियरी रजिस्टर सक्सेसफुल, बोला जा रहा है कि बेनिफिशियरी जो आप रजिस्टर किए हैं सक्सेसफुल हो चुका है। जो बेनिफिशियरी एक्टिवेट होगा 24 आवर्स के बाद यहाँ पर बोला जा रहा है। जैसे में अब हमें देखना है कि जो बेनिफिशियरी हमारा ऐड हुआ है या नहीं ऐड हुआ। अगर हमें डिलीट भी करना है फ्यूचर इन केस तो कभी हमें देखिए IMPS में आना है आप लोगों को। IMPS में आने के बाद यहाँ पर अपलोड ऑप्शन दिख रहा होगा व्यू एंड डिलीट बेनिफिशियरी, तो हमें इसी पर क्लिक करना है। देखिए हमारा बेनिफिशियरी पहले से ऐड हुआ हुआ है तो इस पर मान लीजिए हमें अगर क्लिक करते हैं, हम पहले से ऐड किए हुए हैं तो अगर इस पर हम क्लिक किए हैं तो क्लिक करने के बाद हमारा यहाँ पर डिटेल आ जाएगा जो आपका बेनिफिशियरी है अभी यहाँ पर पेंडिंग में है या कुछ। आप जो बेनिफिशियरी ऐड किए होंगे तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक यहाँ पर SMS आया हुआ है कि जो आपका बेनिफिशियरी ऐड एक्टिवेशन होगा आफ्टर 24 आवर्स के अंदर। इसमें आप IMPS और नेफ्ट आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं जो आप बेनिफिशियरी को ऐड किए हुए हैं। आप इस तरीके से अपने बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में आसानी से बेनिफिशियरी को ऐड कर सकते हैं, ऐड करने के बाद डिलीट भी कर सकते हैं एंड मैनेज भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को फ्रेंड के पास जरूर से शेयर कीजिएगा। अभी आपके मन में डाउट चल रहे थे नीचे मुझे कॉमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। जय हिंद।